आए दिन बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा सरकार भी प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का मन बना चुकी है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि सरकार में शामिल बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा का मानना है। जींद में कृष्ण मिड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है और दावा किया है कि हरियाणा में जल्द ही लॉकडाउन लगेगा। बता दें कि कृष्ण मिड्ढा का ये बयान सीएम मनोहर लाल के जींद दौरे के बाद सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएम कल जींद दौरे पर आए थे और कोरोना के हालात चर्चा भी की गई थी। मिड्ढा का कहना है कि लॉकडाउन पर विचार तो बन चुका है, सरकार कभी भी ये फैसला ले सकती है। इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है और पूरा विचार कर इस पर और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगेगा। किसानों ने और शरारती तत्वों ने पूरे हरियाणा के लिए लॉकडाउन लगेगा और जब तक ये चैन नहीं टूटेगी तब तक आप ये मान के चलिए कि ये दर है जो कोविड की वो दर कम नहीं हो पाएगी। इस वक्त प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आलम यह है कि मरीजों को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही है, जिससे भारी संख्या में लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। शायद यही वजह है कि सरकार अब लॉकडाउन पर विचार कर रही है, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि कभी भी हरियाणा में भी लॉकडाउन लग जाएगा। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।